किस्मत वाले होते हैं, किस्मत वाले होते हैं। ये बताइए कितने लोग दरबार गए हैं माता रानी का दर्शन करने? वैष्णो देवी कौन कौन गया? बाबा पहाड़ों वाली मैया के दर्शन कर लिए? एक बार सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दबो सच्चे दरबार दी। हम लोग अभी हम कितने दिन पहले गए थे? अभी हम एक महीने पहले गए थे, 15-20 दिन पहले हम गए थे। और जितने मेरे फेसबुक पेज से जितने भी मेरे दोस्त जुड़े होंगे उन्होंने देखा भी होगा कि हम दरबार से भी मैंने फोटो एक पोस्ट की थी बड़ी प्यारी। और वहाँ जाने के बाद हम लोग को आने का मन नहीं करता है वहाँ। सीरियसली वहाँ पे ऐसी शक्ति है ना कि फिर वो वहाँ जो जाता है फिर वो सोचता है कि भाई 10-15 दिन और रुकते हैं, शेर सेवा वा करते हैं, उसके बाद चलेंगे। आइए आज सबको बैठे बैठे ऑनलाइन दर्शन कराते हैं माता रानी का। बस आप सभी मेरा साथ दीजिएगा। आइए म्यूजिक से उठाते हैं। बड़े सुरीले हो यार सब। हैं? ओ प्रेम से बोलो, ओ सारे बोलो, वो वागे वाले, वो पीछे वाले, वो चाची बोले, भाई दीदी बोले, वो बहनी बोले, वो मम्मी बोले, वो पापा बोले, वो दादी बोले, ये भैया बोले, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, शेरावाली ने बुलाया है। हेलो 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 सारे जग पे ये ठिकाना, सारे गम के मारो का, सारे जग पे ये ठिकाना, सारे गम के मारो का, सारे जग पे ये ठिकाना, सारे गम के मारो। ओ रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, किरदार देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। आज फिर महिलाओं ने साबित कर दिया कि अगर भजन में अगर आज भी भगवान किसी में जिंदा है तो सिर्फ माताएं बहन है। आज फिर उन्होंने ये चीज साबित कर दिया। आप लोग भी एक बार अर्जी लगा लो यार कि चलो बुला आया है, माता ने बुला Thank you.
अपने पाँव के चालों को चलते रहो तुम तेरे अच्छा जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो हमें बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है चढ़ने में। कितनी सुंदर लाइन लिखी गई है, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुला आया है शेरावाली ने बुलाया है, ओ जगदादी। चलो बुला आया है शेरावाली ने बुलाया है। साक्षात दरबार लगा है, हम माता रानी के सामने जाकर क्या गाएंगे ये बताइए। कोई और भजन आता है उससे रिलेटेड कि माता रानी के दरबार तक पहुंच गए और अब हमें कुछ अलग गाना है माता रानी को, तो क्या गा के सुनाएंगे माँ को बताइए। हम तो बताने के लिए आए, लेकिन एक बार पूछना हमारा कर्तव्य बनता है। बताइए क्या। वैसे भी हम लोग सरस्वती के कलाकार हैं, पढ़ाई भी सरस्वती से ही हुई है, तो हम लोग को बातचीत में कोई नहीं हरा सकता है। इसीलिए आपको नहीं पता, भैया बताएंगे अभी। भैया आप बताइए, आप बताइए, आप दरबार पहुंच के क्या गाएंगे। मैं गाऊं आप सभी की तरफ से, एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। अगर याद होगा तो मेरे साथ मिलके गाना, कि तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं गाया मैं आया शेरावालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, ओ मैं आया शेरावालिए, वो जो जावालिए वो लाटा वालिए, वो जो जावालिए वो लाटा वालिए, वो मेरा वालिए। कि कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। अच्छा आप खड़ी काहे हैं, हे राधा हे मीरा आप खड़ी काहे हैं, बैठ जाइए जहाँ जगह ही मिले बैठ जा। हम कहते हैं कि हमने के वैष्णो देवी के दरबार में हमने के नीचे बैठ के पूजा कर ले। वाह। कि कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, कि तूने मुझको दर्शन दे, तूने मुझको दर्शन दे, अपने गले लगाया शेरावालिए, मैं आया मैं आया शेरावालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, Oh, 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 oh,
एक बन जा, सबकी मंजिल तेरा द्वार। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता। लेकिन हम डरने वालों में से थोड़ी है। एक बार प्रेम से बोलेगा सच्चे दरबार की, कि ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रहना पाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, हो मैं आया शेरवालिए, चलो बुला आया है माता ने बुलाया। सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय।